बांदा जिले में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने आज हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। 30-31 जनवरी की रात पति पत्नी और उनके दो बच्चों की कुल्हाड़ी से गला काटकर खौफनाक हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने एक नामजद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस हत्यारे को घटनास्थल पर ले गई, जहां उसकी निशानदेही में हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद हुए। इस पूरी घटना की चश्मदीद दंपत्ति की छोटी बेटी रानी थी, जिसने इस पूरी घटना को रात में अपनी आंखों से देखा था। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी डीआईजी सहित कई पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे, घटना की जांच कर वह हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल था। घटना का खुलासा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। आज पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने हत्यारे को घटनास्थल पर ले जाकर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी शालिनी ने बताया कि 31 जनवरी की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के कताई मिल के पास महादेव, उसकी पत्नी रनिया और उसके दो बच्चे पवन, राजकुमार की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। घटना की चश्मदीद परिवार की छोटी लड़की थी, जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा था। मृतक परिवार के मुखिया का आरोपी की भाभी से अवैध संबंध थे, जिसकी गांव में भी चर्चा होने लगी थी। बात देवर को पता चली तो वह न सिर्फ इसका उसने विरोध किया, बल्कि दोनों को सावधान भी किया। बताया कि आरोपी कुछ दिन पहले भाभी के प्रेमी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। एसपी ने बताया कि किसी बात को लेकर इसका इसी मामले को लेकर प्रेमी अधेड़ से विवाद भी हुआ था। उसने कहा था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताया कि 30 जनवरी की रात उसने कुल्हाड़ी से गला काटकर प्रेमी को मार डाला। घटना को अंजाम देते वक्त मृतक की पत्नी और दोनों बच्चों ने देख लिया, जिसके बाद सबूत मिटाने के चक्कर में उसने तीनों की हत्या कर दी। बताया कि आरोपी जब घटना को अंजाम दे रहा था, तब उसकी माँ और मामा दरवाजे पर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। किसी को कानो कान खबर न लगे, इसके लिए तीनों पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने घटना कबूल की है और इसमें अपने मामा और माँ के शामिल होने की बात का जिक्र किया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हत्यारे की निशानदेही पर हत्यारे को घटनास्थल में ले जाकर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। आज इसका गिरफ्तारी जो है किया गया है, हमारे कोतवाली नगर और क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई। इसमें इसे पूछताछ करने में पाया गया है कि इसको ये संदेह था कि इसकी जो भाभी है उसके महादेव के साथ संबंध है, और इसमें इनको इसने परिवार को आपत्ति भी जताई थी और ये भी कहा था कि आप इस तरह से करेंगे। इनमें एक आध बार पहले इस बात की कहा सुनी भी हुई है, और ये पूरा मामला पूरे परिवार के संज्ञान में था कि इस तरह की इनमें जो है बातचीत चल रही है, और इस चीज पे गोलू को बहुत आपत्ति थी। इसलिए एक दो दिन पहले इसने कहा था कि अपने परिवार में अपने पापा और अपनी माँ को बताया था कि अगर ये नहीं स्थिति सुधार में आई तो मैं कुछ कर लूंगा। इसका कहना है कि मैं बहुत बेचैन रहता था, मुझे नींदें नहीं आती थी कि मेरी भाभी के साथ ये कैसे सब हो रहा है, और इसलिए मैंने महादेव को मार दिया, और जब उसकी बीवी और बच्चे जागे तो मैंने उसको भी मार दिया।